रामगढ़ पुलिस ने नकली नोट का कारोबार करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्य को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने नकली नोट छापने में प्रयुक्त होने वाले कलर प्रिंटर और लैपटॉप को भी जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गोला डीवीसी चौक के समीप पैंथर पुलिस के जवानों ने नकली नोट का कारोबार करने वाले धनबाद के आरुष वर्मा को उसके साथ ही नालंदा निवासी नीतीश कुमार के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नकली नोट का कारोबार करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के बारे में जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर डीवीसी चौक पर गोला पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग किया जा रहा था। इसी क्रम में डीवीसी चौक पर दुकानदार एक युवक पर नकली नोट चलाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए शोर मचाने लगा। पुलिस को देखकर एक युवक भागने लगा। वहां मौजूद पैंथर पुलिस के जवानों ने भाग रहे युवक का 1.5 किलोमीटर तक दौड़ते हुए पीछा कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जांच के क्रम में उसके पॉकेट से 100 के 17, 10 के 11 और 20 का एक जाली नोट बरामद किया गया है। पूछताछ में युवक ने अपना नाम आरुष वर्मा पता धनबाद बताया है। आरुष वर्मा ने बताया कि वह अपने मित्र नीतीश कुमार के साथ धनबाद में किराए के एक फ्लैट पर रहता था और उसी फ्लैट में नकली नोट छापने का गोरख धंधा उसके द्वारा किया जा रहा था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर धनबाद स्थित उसके फ्लैट पर छापेमारी की, जहां से उसके मित्र नीतीश कुमार के साथ नोट छापने के लिए प्रयुक्त लैपटॉप और कलर प्रिंटर भी बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस को नकली नोटों की प्रिंटिंग के लिए रखे गए एक कागज के बंडल भी मिले हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बरामद लैपटॉप में 10 से लेकर 2000 तक के नोटों का फॉर्मेट उपलब्ध है। गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए रामगढ़ पुलिस के द्वारा बिहार में भी छापेमारी की जाएगी। पुलिस ने नकली नोट के कारोबारियों से 2 स्मार्टफोन और 1 वेलोनो गाड़ी भी जब्त किया है। छापामारी दल में डीएसपी मुख्यालय प्रकाश सोए, गोला के सर्कल इंस्पेक्टर संजय कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी धनंजय प्रसाद, पुलिस पदाधिकारी रमेश मुर्मू, अखिलेश सिंह, सिपाही रामू दास, राजेंद्र कुमार पासवान और अजय नापित शामिल थे। कल दिनांक 11 जनवरी 2020 को अर्ली मॉर्निंग एक सूचना मिली थी कि धनबाद से कुछ लोग रांची जा रहे हैं और वो लोग नोट जाली नोट छापने का काम करते हैं। कुछ नोट लेकर के एक गाड़ी से रांची जा रहे हैं। गाड़ी का नंबर और मॉडल हम लोगों को मिला था। उसके बाद गोला थाना क्षेत्र में इंटरसेप्शन के लिए 2 टीम लगाई गई थी और उसी इंतजार में टीम थी। उसके बाद एक दुकानदार के द्वारा गोला में हल्ला किया गया कि कुछ लोग हैं जो जाली नोट देकर के कुछ सामान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें एक टीम जो गोला में थी, और रश करने के बाद ये लोग भागने लगे पुलिस को देख करके, तो चेज करके उसको पकड़ा गया। और पकड़ाने के बाद उनके पास से कुछ 100 का, 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का जाली नोट मिला। उसके बाद प्रिलिमिनरी लेवल पे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि धनबाद में एक और लड़का है जो दोनों मिलके इस तरीके का कार्य करते हैं। टीम के द्वारा धनबाद जाने पे वहाँ एक 2 रूम का फ्लैट है जिसमें ये लोग रहते हैं और उसमें ये लोग अपना एक सेटअप बनाए हुए हैं छोटा सा, जिसमें जाली नोट प्रिंट करते हैं। और पूछताछ में पता चला कि ये लोग का एक और मेन आदमी है जो नालंदा जिला बिहार का रहने वाला है, उसके साथ 2 लड़का है। वो लोग बिहार में इस तरीके का जाली नोट प्रिंट करके सप्लाई करते हैं और ये लोगों को इधर धनबाद और आसपास के जिलों में ये कार्य करने के लिए जिम्मा दिया गया। ये 2 आदमी जो इधर झारखंड में संलिप्त था, इन कार्यों में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो प्रिंटेड नोट थे उसको जब्त किया गया है। साथ में स्पेशल टाइप का पेपर्स ये लोग खरीद के रखे हुए थे जिसपे नोट प्रिंट करते हैं, उसको जब्त किया गया है। लैपटॉप है, लैपटॉप में मॉडल्स बनाए हुए हैं डिफरेंट डिनोमिनेशन का, 10 रुपीज़ to 2000 रुपीज़, उसको जब्त किया गया है। साथ में प्रिंटर है, उसको जब्त किया गया है। जिस गाड़ी से लोग जा रहे थे उसको जब्त किया गया है। वाकई रामगढ़ जिला पुलिस ने इन लोगों की गिरफ्तारी कर एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए अंतर्राज्यीय नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसके लिए रामगढ़ जिला पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वह इनकी गिरफ्तारी में मुख्य भूमिका अदा करने वाले रामगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक के 4 आरक्षी रामू दास, राजेंद्र कुमार, राजकुमार पासवान और अजय नापित शामिल हैं, जिनके प्रयास से इन लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है। आपको बता दें कि जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो नकली नोट के कारोबारी वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जिला पुलिस के इन 4 जवानों ने उन्हें 1.5 किलोमीटर से अधिक दूर तक दौड़ाकर पकड़ा, जिसको लेकर आज जिला पुलिस कप्तान ने उनके कार्य शैली की सराहना करते हुए उन्हें शाबाशी दी।
और आगे भी इस प्रकार के साहसिक कार्य करने के लिए उनका हौसला बढ़ाया। जैसे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला था कि वहाँ पे रेकी करना है, कुछ लोग जाली नोट को चलाने की कोशिश कर रहे थे, उसी के बारे में हम लोग को टिप्स मिला था वरीय पदाधिकारी की तरफ से, उन्हीं का अनुसरण करते हुए हम लोग वहाँ रेकी कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही हमें लोग पे शक हुआ तो उसके पीछे दौड़े, उसके बाद लोग जब देखे कि पुलिस भाग आ रही है तो लोग भागने लगा, तो कुछ ही 100 मतलब 1.5 किलोमीटर दौड़ाने के बाद गोमती नदी के किनारे स्कूल से होते हुए भागने लगा, तो उसके गोमती नदी के किनारे उसको पकड़े, उसके बाद पकड़ने के बाद उसको वापस थाना लेके आए।